वेलकम टू चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम एडवोकेट तनुषा मिश्रा है और आप देख रहे हैं चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदू लॉज का, जो हमारे हरियाणा जुडिशियल एग्जाम में आ रहा है। हरियाणा जुडिशियल एग्जाम में सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2 आ रहा है। सिविल लॉ 2 का पार्ट है हमारा हिंदू लॉ, जो कि हम पर्सनल लॉज के नाम से भी जानते हैं। अगर हम पर्सनल लॉज की बात करेंगे तो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आएगा, और अगर हम सिर्फ हिंदू लॉ की बात करेंगे तो उसमें हिंदू लॉज आएगा। अब मैं हिंदू लॉज क्यों बोल रही हूँ ये मैं आपको अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप ये हमारा जो नंबर है ये नोट डाउन कर लीजिए। टारगेट फॉर आईक्यू नंबर नोट डाउन कर लिया। टारगेट फॉर आईक्यू का प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पे फ्री ग्रुप भी हमारे चल रहे हैं, जहाँ आपको इन चीजों की पीडीएफ मिल जाएगी। सो ये जो आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा जुडिशियल सिविल लॉ 2 का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और अगर आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये। सो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम हिंदू लॉज पढ़ेंगे। हिंदू लॉज में हमारे 4 एक्ट्स हैं। सबसे पहला है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। कब आया था? 18 मई 1955 को आया था। इसमें टोटल 30 सेक्शन है। एक्ट नंबर क्या है? एक्ट नंबर 25 है। देन हमारा जो सेकेंड एक्ट है वो है हिंदू सेक्सेशन एक्ट 1956, 17 जून 1956 को आया था। इसमें भी टोटल 30 सेक्शंस है। एक्ट नंबर 30 है ये। उसके बाद हमारा आया था हिंदू मैरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ये एक्ट नंबर 32 है और इसमें टोटल 13 सेक्शंस है। ये 25 अगस्त 1956 को आया था। फिर हमारा आया था हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, 21 दिसंबर को आया था। इसमें भी टोटल 30 सेक्शंस है। तो टोटल हमारे हिंदू लॉज में कितने सेक्शंस हो गए? 103 सेक्शंस हो गए, है ना? आप जोड़ लीजिएगा 30, 30, 30 and 13, तो मेरे हिसाब से 103 सेक्शंस हो गए। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है? बिकॉज ये हिंदू लॉज की बात करता है, और अगर हम मतलब हिंदू हैं तो हमें अपने राइट्स, कानून पता होने चाहिए, लॉज पता होने चाहिए। अगर हम पर्सनल लॉज की बात करेंगे तो हिंदू मुस्लिम लॉ हो जाएगा, बट हिंदू लॉज की बात करेंगे तो हिंदू लॉज के साथ ये 4 लॉज इंक्लूडेड है हमारे, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सेक्शन एक्ट, हिंदू मैनरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस भी करते हैं, एडवोकेट भी हैं, तो आपको ये लॉ पता होने चाहिए बहुत अच्छे से, और ज्यूडिशियल स्टूडेंट को तो पता ही होना चाहिए। और हरियाणा ज्यूडिशरी में तो ये हमारा मतलब आता है ये हिंदू लॉ, हर स्टेट ज्यूडिशरी में नहीं आता, बट हरियाणा में आता है, यूपी में भी आता है मेंस में, राजस्थान में नहीं आता है, एमपी में भी शायद नहीं है। तो आप सिलेबस चेक कर लेना, जहां भी आता है ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हम हिंदू लॉज पढ़ते हैं, माय माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि हिंदू कौन है, हु इज हिंदू? तो जो मुसलमान नहीं है वो हिंदू है, ठीक है? इसका सीधा आंसर यही है। अब हु इज मुस्लिम? जो हिंदू नहीं है वो मुस्लिम है। हु इज हिंदू? जो मुस्लिम नहीं है वो हिंदू है। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं, बट क्या है, वही वाली बात है कि हिंदू कौन है? एनी पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम, ठीक है? एंड सेकेंड कि मतलब बच्चा जो बाई बर्थ हिंदू फैमिली में बर्थ जिसने लिया हो वो हिंदू है, या फिर मदर और फादर में से एक जो है वो हिंदू होना चाहिए। सो हिंदू कौन है? जो जन्म से हिंदू है, जिसके मदर फादर में से एक कोई हिंदू है, ठीक है? और जो मुसलमान नहीं है, इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें सिख आते हैं, जैन आते हैं, पारसी आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, सब आते हैं हिंदू लॉ में। अब सेकेंड चीज क्या आती है हमारे माइंड में कि मतलब हिंदू लॉ क्यों हम पढ़ते हैं, मतलब हिंदू लॉ क्यों आया, इतने सारे तो लॉज बना रखे हैं, पर्सनल लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? तो कोडिफाइड और अनकोडिफाइड लॉ क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। कोडिफाइड लॉ वो होते हैं जो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर कानून बनाता है, जिसपे मतलब रेगुलेशंस होते हैं जो कोडिफाइड लॉ होते हैं, जैसे हमारा आईपीसी है कोडिफाइड लॉ है, हमारा सीआरपीसी है, सीपीसी है, सारे कोडिफाइड लॉ है, ठीक है? इस पर डिटेल वीडियो जल्दी आएगी कोडिफाइड और अनकोडिफाइड लॉ पे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब दूसरी बात हमारी, अब हम दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो ये है, अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, हिंदू लॉ पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसका हिस्ट्री और प्रोस्पेक्ट जान लेंगे, जब भी आपको सेक्शन समझ में आएंगे। और स्टूडेंट्स, हिंदू लॉ अगर आप पढ़ रहे हो तो आप उसकी बेयर एक्ट लेके बैठना, ये हिंदू लॉ की बेयर एक्ट है, ये यूनिवर्सल की है, आप डिग्लॉट भी ले सकते हैं। बिना बेयर एक्ट के कोई भी एक्ट आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, ठीक है? जिस सब्जेक्ट की बेयर एक्ट आती है वो आपको लेके बैठना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको जब सेक्शंस पढ़ाऊंगी तो मैं आपको मार्क कराती हुई चलूंगी, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे मैंने ऐसे मार्क कर रखा है, तो ऐसे मैं आपको भी बीच बीच में जो
मैं चलूंगी, आप देख सकते हो। तो आप बेरेक जरूर लेके बैठना, अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज कर लीजिए। आज तो हम इसका ओवरव्यू हिस्ट्री पढ़ेंगे। सो अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र देयर आर फोर गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के सिर्फ चार गोल्स होते हैं। अगर एक ह्यूमन लाइफ है तो उनकी जिंदगी के क्या क्या गोल्स हो सकते हैं? देखो ये सारे गोल्स अलग है, जैसे मैं हूँ, हम हैं, मतलब मैं हूँ, आप हो, बिहाइंड द कैमरा जो हमारी वीडियोज देख रहे हो, कि हमें पढ़ना है, जज बनना है, अच्छी जिंदगी जीनी है। लेकिन एट द एंड इसका रिजल्ट क्या निकलना है हमारी लाइफ का, कि हम सबको आज नहीं तो कल, जिंदगी का ये सच है कि हम सबको एक दिन मतलब इसी हमारे जो पंचतत्व है इसी में विलीन हो जाना है। हम कुछ भी करेंगे, हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है कि हम जो हमारी लाइफ का एंड है वो एक दिन होना ही होना है। तो वही बात हिंदू लॉ में यहाँ पे की गई है कि फोर गोल्स है ह्यूमन लाइफ के। तो सबसे पहला गोल क्या है? अर्थ। दूसरा धर्म। तीसरा कर्म। चौथा मोक्ष। अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष, चार गोल है ह्यूमन लाइफ के। क्वेश्चन आता है, हरियाणा जुडिशरी में आ भी चुका है क्वेश्चन, कि अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र ह्यूमन लाइफ के, अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र देयर हाउ मच गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, तो इसमें आपको एक क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया जाएगा, अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष और ऑफ द अबव। बिकॉज हरियाणा जुडिशरी में पांच ऑप्शन दिए जाते हैं, पहले चार दिए जाते थे, पांच दिए जाते हैं। तो आपको ये याद होना, अगर ये आपको दे देंगे कि अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र हाउ मेनी गोल्स आर ह्यूमन लाइफ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चार गोल्स हैं और पांचवा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव होगा, तो आपको वो टिक करके आना है। ठीक है, तो अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष। अर्थ का मतलब क्या होता है? मीनिंग वेल्थ एंड पावर। देखो अर्थ का मतलब सब यही चाहते हैं कि सब है, वेल्थ है और पावर सबके पास हो, नेम और फेम सबके पास हो। अब सेकेंड आ जाता है धर्म। धर्म की मीनिंग क्या है? ड्यूटी टूवर्ड्स गॉड। ठीक है, हम धर्म कर्म का काम कर, लोग बोलते हैं धर्म कर्म का काम करिए, भगवान के प्रति जो आपकी आस्था है, जो आपकी ड्यूटी है वो निभाइए। अब ये नहीं आप 24 घंटे भगवान के सामने बैठे हो और आप कोई कर्म नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप धर्म ही धर्म किए जा रहे हो, जब भी ये भी कोई मतलब इससे भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। अब आप सिर्फ धर्म का काम कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, बेर खोल के नहीं देख रहे हो, किताबें पढ़ नहीं रहे हो, क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व नहीं कर रहे, पर डे आप क्वेश्चन टिक नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा ना कि सिर्फ आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, धर्म के साथ साथ कर्म भी जरूरी है। ठीक है, और कर्म ही हमारे काम आता है, कर्म जितना अच्छे हम कर्म करेंगे उतना ही हमें अच्छा फल मिलेगा, कर्म करना चाहिए हमें बहुत अच्छा। फिर आता है हमारा कर्म, ठीक है, धर्म के बाद कर्म। डिजायर टू माइंड ऑफ फिजिकल बॉडी, जो हम अपने माइंड में सोचते हैं, मतलब हम अपने जो हमारा दिमाग में चलता है ना, अच्छे कर्म करेंगे जब हमें कुछ अच्छा फल मिलेगा। अच्छे कर्म क्या होते हैं हमारे? अब ये तो नहीं है ना कर्म क्या होते हैं, अच्छे कर्म क्या होते हैं? अच्छे कर्म आपको आपकी फैमिली से मिलते हैं, आपको संस्कारों में वो ऑलरेडी होते हैं, कि जैसे आप किसी गरीब इंसान को देखते हो, किसी दुखी इंसान को देखते हो, तो आपका मन होता है ना कि मैं उसको रोटी दे दूं, या फिर मैं मतलब इसे कुछ खाने को दे दूं, या आपके अच्छे कर्म है, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी के साथ धोखा नहीं करना, छल कपट नहीं करना। और आप जो आपका कर्म है, जो आपका कार्य है, जैसे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, तो आप फैमिली वालों को बेवकूफ मत बनाओ, टीचर्स को बेवकूफ मत बनाओ, आपका कर्म है पढ़ना। आप ईमानदारी से 5 घंटे पढ़ो, लेकिन जितना भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, वो जो आपका 5 घंटे का कर्म है वो आपको फ्यूचर में पे करेगा। ठीक है, कर्म का मतलब ये होता है। अब मोक्ष, जो सबकी लाइफ का एक गोल होता है, एंड हमारा यहीं पे होना है मोक्ष पे। अकॉर्डिंग टू हिंदू फिलोसफी अल्टीमेट एम ऑफ द लाइफ टू अचीव मोक्ष। सबका एम यही होता है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है? कि हम अच्छा कर्म करेंगे जब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मतलब लोग ये भी कहते हैं ना कि बेटा होता है जिसे उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे बेटा होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, देखो शास्त्र है, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज जितनी बातें होंगी उतनी बातें निकल कर आएंगी, फिर इसमें बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक भी है। बस यहाँ पे हम इतना जान लें कि हमारे जो ह्यूमन लाइफ के गोल है वो चार है, मोक्ष हमारा अल्टीमेट एंड ऑफ द लाइफ सबका यहीं पे होना है मोक्ष पे। अब हम अपना सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपको पीडीएफ तो मिल जाएगा। हम बात कर रहे थे कि हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, बट उससे पहले हमें सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पता होना बहुत जरूरी है, और हाउ टू लिव लाइफ पता होना बहुत जरूरी है। स्कूल्स हमारे दो हैं, मिताक्षरा और दयाभागा, बट हम सोर्सेस पढ़ने के बाद स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ पढ़ेंगे। तो हमारा जो अभी का टॉपिक है ये है हमारा हाउ टू लिव लाइफ, हमें लाइफ को कैसे जीना है हिंदू लॉ। देखो हिंदू लॉ में
डायरेक्ट मेरठ पढ़ाऊंगी ना आपको समझ नहीं आएगा, बोरियत होगी, बट ये थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन देके मेरठ पढ़ाऊंगी मैं तो डेफिनेटली आपको बहुत मजा आने वाला है। और हिंदू लॉ तो वैसे भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लॉ स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट होता है हिंदू लॉ और आईपीसी। ठीक है, यहाँ से अगर आपने वीडियो अच्छे से देख ली तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन हरियाणा जुडिशरी में पक्के आएंगे। और दूसरी बात, आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां पे आपको सारे डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। और पता है स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पे जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, बोले जा रही हूँ, कई सारे वर्ड्स होंगे जो मेरे प्रोनाउंसिएशन में, ग्रामर में प्रॉब्लम आई होगी, वॉज की जगह विल निकल गया होगा मुंह से, है ना, फादर की जगह फादर ने, ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स आती है प्रोनाउंसिएशन में भाई, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ बोले जा रहे हैं, हमें इंट्रैक्शन नहीं हो पा रहा। बट पेड ग्रुप्स में क्या है कि वहाँ पे लाइव इंट्रैक्शन होते हैं, तो जहाँ पे मैं अटकूंगी वहाँ मुझे टॉक दोगे, मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, आप हमारे पेड ग्रुप्स ज्वाइन करिए। तो हमारा जो टॉपिक है हाउ टू लिव लाइफ, ठीक है, तो हम 4 तरीके से जिंदगी जीते हैं। एक हम ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं, ठीक है, दूसरा गृहस्थ का जीते हैं, तीसरा जीते हैं वनप्रस्थ का, और चौथा है सन्यासी का। अब ब्रह्मचर्य का जीवन क्या है कि हमें शादी ही नहीं करनी है, हम मतलब सारी जिंदगी अपने वेदास को पढ़ने में लगा देंगे, ठीक है, इन चीजों को जानने में। अब दूसरा आता है हमारा गृहस्थ का गेट मैरिड, गृहस्थ का मतलब क्या हो गया गेट मैरिड, और अब इसका क्या मतलब हो गया वनप्रस्थ का मतलब क्या हो गया हमारा, वनप्रस्थ का मतलब हो गया कि डिलीटेड योरसेल्फ फ्रॉम फैमिली, आप अपनी फैमिली से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लो। फिर हमारा आ गया संन्यास का जीवन, संन्यास का जीवन क्या होता है, हम बिल्कुल ही सन्यासी हो जाते हैं, हम जैसे चले जाते हैं कहीं आश्रम में, कहीं वहां पे हम सेवा कार्य करते हैं, हम फैमिली से बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं। तो ये है हमारा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वनप्रस्थ और संन्यास का जीवन। अब हम आते हैं अपने सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पे, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ हमारे क्या है, 2 टाइप के सोर्सेज है, एक प्राइमरी सोर्स और एक सेकेंडरी सोर्स, इसको हम 2 नाम से जानते हैं, प्राइमरी सोर्स को जो हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स और एंशियंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, सेकेंडरी सोर्स और मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। एंशियंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ से पूछा जाए तो उसका मतलब भी प्राइमरी सोर्स है, मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ पूछा जाए तो उसका मतलब भी सेकेंडरी सोर्स है। अब ये एंशियंट और मॉडर्न का क्या मतलब है, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं जो एंशियंट सोर्सेस थे वो हमारे थे श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट एंड कस्टम्स। ठीक है, श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट एंड कस्टम्स। श्रुति ऐसा क्या लग रहा है सुनने में, श्रुति मतलब सुना सुनाया, श्रुति स्मृति मतलब जो याद रह सके, कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट जो लोगों ने बोला, कमेंट्रीज एंड कस्टम्स जो हमारे आज भी चले आ रहे हैं, कस्टम्स जो हमारे बहुत पुराने जमाने से कस्टम्स चले आ रहे हैं वो हम आज भी फॉलो करते हैं। एंशियंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ तो हमारे मतलब हमारे में है ही, ठीक है, जो हम अपने जो हम फॉलो करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ हिंदू लॉ की, जिसे हम मॉडर्न सोर्स के नाम से भी जानते हैं, मॉडर्न सोर्स, ठीक है, मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। इसमें क्या क्या है, इसमें 4 चीजें हैं, जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। अब सेकेंडरी सोर्स क्या है, इसमें जुडिशियल, जिसे देखो आज का जो हमारा टाइम, आज का जो हमारा प्रोस्पेक्ट है ना, क्योंकि हिंदू लॉ में तलाक वर्ड इंक्लूड नहीं था, हिंदू लॉ में कभी भी, हमारे हिंदू में कभी भी तलाक नहीं होते थे, बट आज का जो टाइम चल रहा है यहाँ पे मतलब मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में टेम्पोरल डिफरेंसेस आते हैं और तलाक तक की बात आ जाती है, तो उसके लिए हमारे मॉडर्न सोर्सेस का नाम जैसे मॉडर्न सोर्स है वैसे मॉडर्न काम भी करता है ये, तो हमें जुडिशियल डिसीजन की जरूरत पड़ी, लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, यहाँ पे क्या था एंशियंट सोर्स में कि पहले पंचायतों में फैसले हो जाते थे, कोर्ट के जरिए तक बातें आती ही नहीं थी, और हिंदू लॉ में तलाक जैसा शब्द तो था ही नहीं, कभी तलाक तो कभी होते ही नहीं थे, और जो हिंदू मैरिज है वो प्योरली बेस्ड ऑन सैक्रामेंट, प्योरली बेस्ड ऑन संस्कार। ठीक है, जो मुस्लिम मैरिज है वो प्योरली बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, तो हिंदू मैरिज जब संस्कारों पे बेस्ड है, हिंदू रिचुअल्स पे, रीति रिवाज पे बेस्ड है, तो वहां पे तलाक जैसा कोई वर्ड इंट्रोड्यूस था ही नहीं, बट अब मॉडर्न सोर्स आ गया भाई, अब तो तलाक वलाक सब कुछ ही होते हैं आजकल, हस्बैंड वाइफ में टेम्पोरल डिफरेंसेस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस वजह से हमारे हिंदू लॉ में हम मॉडर्न सोर्सेज को भी पढ़ते हैं। अब जो हमारे एंशियंट सोर्स में श्रुति की हम बात करते हैं, श्रुति में हमारे क्या थे, 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अर्थवेद। ठीक है, आप एक बार वेद में क्लियर कर लेना, हो सकता है कि मेरे से कोई गलती हुई हो, बट मुझे जो याद है 4 वेद मतलब है प्रॉपर, उनका जो ये सीरियल नंबर है ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट वेद तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, समवेद और अर्थवेद, श्रुति में ये 4 चीजें थी। ठीक है, तो ये हमारे स्टूडेंट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ हो गए। हिंदू लॉ जो है, जो हिंदू लॉ का बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, वो थोड़ी सी बड़ी है। अब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ में आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें मिताक्षर और दया भागा के बारे में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे पेड ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल करके पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।
फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट. थैंक यू सो मच.